हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिलहाल मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। यार आज का दिन बहुत ही मजा आने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। एंड मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ द पंडा में। यहाँ पे ये बहुत ही पुराना कैंटीन है टिफिन का। यहाँ पे मतलब हमारे टाउन का वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एंड मोस्ट फेवरेट ब्रेकफास्ट स्पॉट है। तो टाइम हो रहा है अभी 12:30 हो गया। मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म गर्म अभी निकला है वड़ा पूरी एंड चना है मेरा फेवरेट। आप देख सकते हो ये वड़ा, ये पूरी, ये मतलब नारियल कोकोनट चटनी, ये छोले चना। ऑनेस्टली ये वड़ा बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, सॉफ्ट है पूरा। वाह बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। तो हाँ दोस्तों, अभी खाना बहुत ही मज़ेदार था ब्रेकफास्ट। एंड मैं अभी निकल रहा हूँ, बहुत ज्यादा धूप है आप देख सकते हो। ये हमारा ओल्ड बस स्टैंड के पास रहता है पंडा ब्रेकफास्ट टिफिन सेंटर। एंड यार बहुत ही ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी बनता है हमारे टाउन में। बहुत सारे ऑफिशियल्स जितने भी हैं सब कोई खाते हैं। एंड यार मजा आ गया पूरा, बहुत ज्यादा फेमस भी है। तो हाय दोस्तों, अभी फिलहाल घर आ चुका हूँ ब्रेकफास्ट करके। मैं ब्रेकफास्ट किया पंडा होटल में। बहुत सारा फेमस जगह है हमारे टाउन में, एक एक जगह उनमें से एक है पंडा होटल। एंड या अभी बैठा हूँ फिलहाल तो टीवी देखूंगा। आज मैच है, आज है मुंबई और आरसीबी का मैच। मुंबई वर्सेस कौन सा टीम है, आरसीबी वर्सेस कौन सा टीम है। तो वो अगर इनमें से जो जीता वो क्वालिफाई करेगा। तीनों टीम क्वालिफाई कर चुका है ऑलरेडी, गुजरात, चेन्नई एंड लखनऊ। मैं चाहता हूँ आरसीबी करे, होपफुली देखते हैं क्या होता है, पता नहीं चलेगा जो भी। बट आरसीबी करे तो मजा आएगा लखनऊ के साथ। तो क्या वैसे अभी खाना भी खाना है, लंच करना है। लंच में क्या है वो ही मुझे नहीं पता। सो दोस्तों, जिनू खा रहा है अपना लंच। एंड क्या खा रहा था भाई, दिखा तो दिखा दिखा। अच्छा अच्छा, मिल्क कैन, ये सेवई जैसा कुछ है। अच्छा ये खा रहा था तो हाँ, तो लंच नहीं है ये। हाँ सब ना, आज सुबह से कितना बार पढ़ चुका है? नहीं ट्यूशन में खाली पूरी। अच्छा बारिश बारिश जैसे माहौल हो रहा है, बट बारिश नहीं हो रहा। बारिश तो हो जा भाई, एटलीस्ट भयंकर बारिश, थोड़ा सा मजा आएगा। सो भाई साहब देख सकते हो, ये एक्चुअली लिजर्ड मार रहा था अभी, और आप देख सकते हो इसका हथियार है ये। किधर होगा लिजर्ड, अभी दो लिजर्ड को ऐसे फेंक चुका है, मारा नहीं है, मतलब घर से बाहर कर दिया बस। सो यार दोस्तों, अभी फिलहाल मैं करने वाला हूँ अपना लंच। आप देख सकते हो बारिश भी थम गया है, मैं नहा के आ चुका हूँ। टाइम हो रहा है 4:30, मैं करूंगा अभी लंच। मतलब सोचो कितना अजीब आदमी हूँ मैं। लंच में क्या है, दाल चावल ऑमलेट, बस उतना ही। सो उस वेजिटेबल बना है वो मैं नहीं खाता इसलिए, तो क्या करें। तो खाते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। आज कुछ घूमने जाऊंगा कि नहीं वो पता नहीं, कि घर में रहूंगा। और मैच चल रहा है और टेंशन लग रहा है बहुत ज्यादा, क्या करें। आज क्वालिफिकेशन वाला मैच है, जो जीता वो क्वालिफाई, तो दोनों जीते तो पता नहीं कैसे कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये है मेरा राइस, ये है दाल और ये है ऑमलेट। तो भाई साहब अभी मैं अच्छे से खाऊंगा, फिर मजा आएगा आज खाने में, क्योंकि 5 बजे तरफ लंच कर रहा हूँ मैं। जो टेस्टी है आज खाना, वाह मजा आएगा, एक्सट्रीमली डिलीशियस। आप देख सकते हो गाइस, ये है जिनू का सेटअप और अच्छा लग रहा है उसका टेबल भी, लेकिन लाइट ऑन करके पड़ बेवकूफ। सो हेलो दोस्तों, अभी फिलहाल मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, क्यों बोलूंगा, क्योंकि अभी मैच चल रहा है आरसीबी का। मैं कुछ रिस्क नहीं ले सकता भाई, अभी बन रहा है घर में चिकन। अब देख सकते हो तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, ये बॉयल हो रहा है एग। सो आज है संडे इसलिए चिकन डे है, मेरा भाई बोला था ऐसा। और या अभी मैं खाऊंगा चिकन और मैच देखूंगा गाइस। मैं कुछ बात करना नहीं चाहता, मैच देखने में पूरा बिजी हूँ, सॉरी आई एम रियली सॉरी, बट मैच देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं मैच देख रहा हूँ, गुड राइस तो अच्छा लगेगा। आपको आइडिया नहीं है मैं किस तरह से परेशान हूँ पूरा मैच के लिए, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा भाई, पूरा प्रेशर में हूँ, इसलिए कुछ शूट नहीं कर पा रहा आज, कुछ भी शूट नहीं, वाइड हो गया अभी। सो मेरा राइस आप देख सकते हो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। राइस दाल है कि नहीं, आज नहीं बना है तो राइस दाल चिकन खाऊंगा आज। सो या गाइस ये फ्राइड चिकन पीस मैं खा रहा हूँ, और ग्रेवी वाला चिकन अभी बन रहा है और, तो यार मजा आएगा बहुत। ये मेरा सेकंड राउंड है भाई लोग, आप देख सकते हो ये है चावल फिर से आ गया, ये चिकन फिर से आ गया, ये खत्म हो गया है, वाह मजा आ जाएगा भाई। अभी क्या हुआ, हमारे विराट कोहली ने बैक टू बैक कंसेक्यूटिव सेंचुरी मारा। पिछला मैच में सेंचुरी था मैं आपको बोला था, और ये मैच में भी मैं पागल हो गया, चीखता रहा डाइनिंग टेबल में बैठ के, चिल्लाता रहा कि मैच, विराट कोहली खाते खाते चिल्लाता रहा। मतलब सेंचुरी जस्ट ब्रिलियंट। तो क्या खा रहे हैं भाई, क्या खा रहे हैं? नहीं जानो मैं, पनीर और चावल रोटी, वेरी गुड। मैं बना रहा हूँ इधर नींबू पानी, वाह वाह, ब्लैक पेपर वगैरह सब कुछ डाल के मजा आ गया। और ये कर रहा है उसका लंच। तो आज जाऊंगा मैं पहली बार जिम, ब्रेकफास्ट। अच्छा ब्रेकफास्ट है क्या, रात की सॉरी दोपहर के 2:30 बजे। Thank you.
सो हेलो दोस्तों, अभी फिलहाल मैं कुछ अभी ना के आ चुका हूँ। टाइम हो रहा है 5:30, 6 o'clock होने वाला है सुबह से। मैंने ना ब्रेकफास्ट किया ना ही लंच, तो हाँ अभी मैंने बनाने जा रहा हूँ चीज बटर ऑमलेट। उसमें ब्रेड नहीं डालूंगा, चावल के साथ खाना है मेरे को। बस अनियंस, टमाटो, चीज कैसे बना रहा हूँ आप लोग देखो, बातों से क्या होगा, चलिए देखते हैं। हाँ, अनियंस मैंने कट कर दिया है, अभी बारी है टमाटो थोड़ा सा, फिर चिली फ्लेक्स थोड़ा सा जा सकता है। घर में देखूंगा हुआ कि तो ठीक है, वरना नहीं। क्या करेंगे अभी आपको डायरेक्टली पैन में दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो पैन गर्म हो रहा है अभी। मैंने हल्का सा गार्लिक और अनियन कट कर लिया है, और जो रहा टोमेटो उसको मैं डायरेक्टली खाने टाइम डालूंगा। रुको, हेयर स्टाइल बिगड़ गया है, अभी सही लग रहा हूँ ना, तो अभी डालूंगा उसमें टोमेटो अनियन। देखते हैं रेसिपी, बताता नहीं हूँ, दिखा दूंगा आप लोग। आप देख सकते हो गाइस, पैन में मैंने बटर डाल चुका है और अभी थोड़ा सा गार्लिक डाल दिया हूँ, वो सॉटे होगा। अभी इसमें अनियन डलेगा, 4 टमाटर करने वाला हूँ इसलिए इतना थोड़ा सा बटर डाला हूँ। एंड या सो अनियंस, कितना ज्यादा शानदार लग रहा है, देख सकते हो क्या ज्यादा मस्त अरोमा आ रहा है गाइस अभी से बटर का। वाओ, अब देख सकते हो गार्लिक और अनियन है बस, और कुछ नहीं डाला है। एंड आज हम ये वाला चीज यूज करने वाले हैं। मैंने ले भी लिया है 4 टमाटर, 1, 2, 3, 4, और भाई साहब क्या मजा आएगा बनाने में। गर्मी भी लग रहा है, वेंटिलेटर लगा था फैन, बट नहीं, लगाने से क्या होगा कि साउंड नहीं आएगा आप लोग को, तो इसलिए अभी सॉटे करते हैं थोड़ा सा। कुछ इस तरह सा सीन हो गया है। एंड अभी एक रूल बताता हूँ, टोमेटो डालने के बाद हमेशा सॉल्ट डालना जरूरी है, वरना अच्छे से पकेगा नहीं, ये एक पहला रूल होता है। तो अभी जैसे देख सकते हो, अभी इसको सॉटे कर देंगे इसमें प्याज के साथ। गाइस आप देख सकते हो चिली फ्लेक्स तो नहीं था घर में, बट गाइस आप देख सकते हो अभी ये ऑमलेट बनने जा रहा है। कैसे बनेगा अभी आपको ट्रिक है, आप देख ही सकते हो उसमें जो मसाला था, बैटर था, उसके ऊपर अभी एग डल चुका है। अभी देखो रियल ट्रिक। मैंने एक ले लिया चीज क्यूब, आप देख सकते हो भाई लोग कितना सुंदर लग रहा है। चीज क्यूब को कट करके डाल दिया है, अब ये भी लो फ्लेम में पकेगा। ये फ्रेश पाव वाला ब्रेड को इसमें ऊपर कट करके डालना है, जैसे ही बिल्कुल ये चीज जैसे डाला है वैसे ही डलेगा, पीस पीस करके क्यूब क्यूब होके, ताकि ये मोटा बेस बनेगा और अच्छा लगेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरा फुल पूरा ऐसे लग चुका है, इसको अभी पलटना है या फिर कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा है। एज भी पक चुका है, चीज मेल्ट हो गया धीरे धीरे। ये आगे से और नहीं पकाएंगे ना, इसको ऐसे ही रहेगा। मैंने एज में हल्का हल्का बटर डाल दिया है, इसमें रुक जाओ, इसको स्टर करते हैं। वाह, कितना ज्यादा कॉम्पैक्ट, पेट फुल हो जाएगा, बहुत ज्यादा हैवी है ये। बाय द वे ये केक जैसा बन चुका है, आप देख सकते हो ऑमलेट केक टाइप बन चुका है, बहुत ज्यादा शानदार लग रहा है। चीज डाला है इसमें, ब्रेड डाला है, वो वाला ब्रेड मैंने नहीं डाला स्लाइस होके वो वाला, क्योंकि इसमें डालने से ब्रेड ऑमलेट बन जाता है। ये दिया हूं ताकि टेक्सचर रहे, मोटा रहे, ऊपर कवर रहे, चीज को अच्छे से पकड़े और मजा आएगा अभी खाने में। नीचे है प्याज, अनियन, टमाटो और उसके बाद सब कुछ डाला है, तो मजा आ गया। नमक डबल मैंने डाला हूँ, एक बार में टमाटो जितना डाल था उतना ही है, शायद कम हो सकता है, लेकिन क्या करें, खाना तो पड़ेगा, मजा आ जाएगा। आप देख सकते हो गाइस कितना शानदार लग रहा है, थोड़ा सा लटका है बस, वो चीज होगा और कुछ नहीं। अब देखिए भाई लोग कितना शानदार लग रहा है, कट करके खा रहा हूँ, आपको पता चलेगा कितना डिलीशियस। तो आप देख सकते हो गाइस कितना शानदार लग रहा है। ओके, चीज का भी अच्छा है, चीज पुल भी आ रहा है, ओ वाह डिलीशियस है। सुपर डिलीशियस है गाइस, आप देख सकते हो एग है, चीज है, बहुत ही ज्यादा शानदार। ये वाला रेसिपी अगर आप लोग चाहते तो बनाओ भाई घर पे। मैंने शायद जरूरत से ज्यादा सॉस डाल दिया, सॉरी सॉल्ट डाल दिया, इसलिए थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया, देख सकते हो वैसा है। वाओ, चीज का टेस्ट अच्छा आ रहा है, ब्रेड का अच्छा लग रहा है, ब्रेड बिल्कुल पका नहीं है क्योंकि ये ब्रेड पका हुआ ही होता है, उसको क्या और पकाना, बस ऑमलेट और चीज का टेस्ट बहुत ही शानदार है, आप देख सकते हो डिलीशियस है भाई।
ये चीज़, ये ऑमलेट, एग योक और ये ब्रेड।